पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पुलवामा में शहीद हुए आतंकी हमले के बाद देश के लिए शहीद हुए सैनिकों का दुख देश के लोगों में साफ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में मुरादाबाद की जनता का दिल भी शहीदों को याद कर रो रहा है। सभी ने नम आंखों से शहर के गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि दी, तो वहीं पाकिस्तान के कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने की मांग भी सरकार से की गई। आइए जानते हैं मुरादाबाद शहर के गणमान्य लोगों का दर्द किस तरह बयां हुआ। जो लोग भारतवर्ष में भारत के नागरिकों के द्वारा दिए जा रहे टैक्स पर पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो भारत के अंदर रहते भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का सदस्य हूँ। कि आपको पता ही होगा कि आज से दो दिन पूर्व MIT कॉलेज जो है उसमें एक छात्र द्वारा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक स्टेटस पे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है, वो स्लोगन जो है लिखा गया था। उसमें हमारे जो हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्री धर्मेश सैनी जी के नेतृत्व में MIT पे एक विरोध प्रदर्शन किया गया। पीली कोठी चौराहे पे बहुत ही विकट रूप का एक प्रदर्शन किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन को मजबूर होकर उस छात्र के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना पड़ा और उस छात्र को गिरफ्तार करना पड़ा। तो मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त महानगरवासियों को और देशवासियों को यह आश्वस्त कराना चाहता हूं कि जिस प्रकार देश की सेना सीमा पर आप लोगों की सुरक्षा में लगी है, उसी प्रकार ये जो अपने देश के अंदर छुपे हुए जयचंद हैं उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता युवा मोर्चा आपके लिए लड़ाई लड़ेगा। जहाँ जहाँ भारत के खिलाफ कोई आवाज़ उठेगी उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम जो है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा करेगा। बहुत अफसोस की बात है कि जब कभी बात आती है आतंकवाद की तो जो सेकुलर लोग हैं वो इसको कह देते हैं कि आतंकवाद का कोई समुदाय नहीं होता, लेकिन मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है, वो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन मुझे बहुत कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जब से ये पुलवामा का अटैक हुआ है CRPF के हमारे जवान शहीद हुए हैं। एक ही समुदाय के लोग हैं जो भारत में रहते हुए भारत की रोटी तो खाते हैं लेकिन भारत के प्रति भी वफादार नहीं हो सकते। एक ही समुदाय है जो लगातार आप आए दिन पढ़ें, FTM में एक छात्र जो है वो शोक सभा के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पाया गया। एक फर्म में कर्मचारी थे जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पकड़े गए। काशीराम योजना में भी कुछ युवक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पकड़े गए। इन सभी युवकों का एक ही समुदाय से संबंध था, जो कहने में हिचक नहीं है मुझे। और ऐसे जो लोग आगे सोच रहे हैं कि हम भारत में रह के, मुरादाबाद में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेंगे, तो उनको आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी भी देना चाहते हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा चुप नहीं बैठेगा। अगर आप भारत के खिलाफ कुछ बोलेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, कुछ भी ऐसा काम करेंगे जिससे भारत की अखंडता पर आँच आएगी, तो युवा मोर्चा जो है आपका मुंह तोड़ जवाब देगा, आपके घर में घुस के आपको जवाब देगा। और ज़रूरत पड़ेगी तो हम तन मन धन और गन सबसे सक्षम हैं, हम हर तरीके से अपने भारत देश की रक्षा करने के लिए सक्षम हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हम गन भी उठाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो किसी भी इंसान के खिलाफ, किसी भी समुदाय के खिलाफ जो भी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी हम लड़ने के लिए तैयार हैं।